गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन स्काई पैरामाउंट कोचिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड जसवंत डावा वंस अगेन। माय डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर स्टडीइंग ऑफ मैथमेटिक्स। मैं सुनील यादव, एमएससी बीटेक सीटेट क्वालिफाइड, एक्स फैकल्टी ऑफ पैरामाउंट कोचिंग सेंटर मुखर्जी नगर दिल्ली एंड डायरेक्टर ऑफ स्काई पैरामाउंट कोचिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड जसवंत डावा। आइए हम लोग आज इकाई अंक निकालने की स्काई पैरामाउंट मेथड को यूज करेंगे। मेरे दोस्तों, कोई भी संख्या बड़ी से बड़ी से है, जैसे 7, 8, 3, 6, इस पे कोई 2, 1, 4, 5 का इकाई अंक बताओ, का इकाई अंक बताओ। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे सवालों को निकालने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसकी जो पावर है, इस पे जो घात है उसको लेते हैं और उस घात में हम 4 से भाग करते हैं। ठीक, 4 से भाग करते हैं और 4 से भाग करने के बाद जो हमें शेष प्राप्त होता है, उस शेष को हम 6, जो बाद में इसकी जो लास्ट वाली संख्या है 6 है, 6 की पावर लगा देते हैं, बाद में जो कुछ बचता है वही इसका इकाई अंक होता है। देखते हैं कैसे। इसमें पावर कितनी है? 21, 45। इसमें भाग देंगे 4 से, 4×5=20। 21 से 20 जाएगा कितना बचेगा? 14। यहाँ से 14 हो गया, नहीं आ गया 4×4=12। ठीक, ये 2×4=16। 1 हो जाए, ये 1 रिमाइंडर बचा है, इसमें 1 शेष बचा। तो जो ये शेष बचा है इस शेष को ही हम, जो ये संख्या होती है कोष्टक के अंदर, ब्रैकेट के अंदर जो संख्या होती है उसका जो इकाई लास्ट वाली संख्या होती है उस पर हम इस शेष को पावर के रूप में लिख देते हैं। जैसे इसका लास्ट वाली संख्या जो कोष्टक के अंदर है, संख्या इसकी इकाई अंक क्या है? 6। इस पर हम पावर वो लगाएंगे जो इसका शेष बचा है। शेष क्या बचा है? 1 लगा देंगे। 6 की पावर 1 का मतलब क्या हुआ? 6। तो इसका इकाई अंक क्या हुआ? 6। ये इसका इकाई अंक। जैसे रिमाइंडर सर 2 आ जाता तो मल्टीप्लाई हो जाता। अगर यहाँ पर मेरे दोस्त, अगर 6 की जगह ये, अगर ये होता 6 की जगह ये, इफ अगर 6×2 होता तो 6×6 करते, क्या करते हैं? क्या करते हैं? 6×6 फिर भी हमारा 6 ही आता, समझे? ठीक। तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे विश्वास है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसे जरूर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और इस पर प्लीज कमेंट करें, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।